महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। शुद्ध बुद्धि अलथि सा भावा तिहुवन सिर से हरिया पसियंतु भणारया सवे गमणा गमण विमुखे वेड़िय कम्म पैड़ी संघादा सासय सुह संपत्ते ते सिद्धा वंदेणिचम जय मंगल भूदानम विमलानं नानदंसन मयाडं
తేలోయ సేహరాణం ప్రణమో సదాసౌ సిద్ధాణం సమ్మత్తణాన దంసణ వీర్య సోమం తైవ వగ్గణం అగురు లఘుమవ్వాహం అట్టగుణాహోంతి సిద్ధాణం తవ సిద్ధే ణయ సిద్ధే సంజం సిద్ధే చరిత్ర సిద్ధేయ ప్రణాణం ఇదంశణమ్య సిద్ధే శిరసా నమస్సామి ఇచ్చామి భంతే సిద్ధ భక్తి కావు సభ కౌ తస్సాలోచ్య సమ్మణాణ సమ్మదంశణ సమ్మచరిత్ర జుత్తాణం అఠ వే కమ్మ విపముక్కాణం అట్టుగుణ సంపన్నాణం ఉడ్డులోయ మధ్యమ్మి పయఠ్యాణం తవ సిద్ధాణం ప్రణయ సిద్ధాణం సంజం సిద్ధాణం చరిత సిద్ధాణం అతీతానాగ వర్తమాన కాలత్తే సౌ సిద్ధాణం సణిచ్ కాలం అచ్చేమి పూజ్యేమి వందామి నమస్సామి దుఃఖఖో కమ్మఖో దోహిలాహో సుగై గమణం సమాహి మరణం జిన్ గుణ సంపత్తి హో మధ్యం దోనో హాత్ ఉఠాకర్ జయకారా లగాయే అనంతానంత సిద్ధ పరమేశ్వరి భగవాన్ కీ దోనో హాత్ ఉఠాకర్ జయకారా ఫిర్ సే అనంతానంత సిద్ధ పరమేశ్వరి భగవాన్ కీ చౌబీస్ తీర్థంకర భగవాన్ కీ మూల నాయక్ శ్రీ పార్శ్వనాథ్ భగవాన్ కీ సంత శిరోమణి ఆచార్య భగవాన్ శ్రీ విద్యాసాగర్ జీ మహారాజ్ కీ సాక్షాత్ విరాజమాన్ ఉపాధ్యాయ శ్రీ 108 గుప్తి సాగర్ జీ మహారాజ్ కీ అహింసామయ విశ్వ ధర్మ కీ చాతుర్మాస స్థాపన మహా మహోత్సవ కీ ఆజ్ ఓం నమోర్తి భగవతి ప్రక్షణ శంకర్ష్ట విషయ దివ్య తేజ మూర్తి మసం శాంతి నాజ శాంతి కాయ సర్వీన ప్రణాశనాయ కర్మగా ముక్తి నాశనాయ సర్వర్గ చతుర్థ నష్ట సర్వ శాంతా పరమ నాశనాయ ఓం రామ నీ గురు నమః రాసియస్ సర్వ శాంతి తుష్టి ముష్టి చ గురు గురు స్వాహా ధ్వజారోహణ కమంగ కరి ప్రారంభ కరి కి పవిత్ర దివ్య సూత్ర శ్రీ
ज्ञान रूपी ज्योति को प्रज्वलित करें और हम सब श्रद्धा से भरकर एक सुंदर से गीत के माध्यम से सबका मन बहलाते हुए बज ढोल नगाड़ नचाते हुए गुरुवर आए मुस्काते हुए आज समा खुशियों से भरा आज समा खुशियों से भरा जोरदार तालियों से इन छोटे छोटे बाल गोपालों ने बहनों ने जो आज अपने भक्ति गुरु चरणों में समर्पित किए दोनों हाथ
नियम लिया है, जिन देव तेरे दर पे ये नियम लिया है। राति भोजन अशुद्ध जल का त्याग किया है, राति भोजन अशुद्ध जल का त्याग किया है। महावीर तेरे दर पे हमने प्रणी किया है, महावीर तेरे दर पे हमने प्रणी किया है। क्या भोजन अशुद्ध जल का त्याग किया है, राति भोजन अशुद्ध जल का त्याग किया है। हम करने चलेंगे दर्शन, हम करने चलेंगे वंदन, हम करने चलेंगे दर्शन, हम करने चलेंगे वंदन, करेंगे दर्शन। सजा के रखना दीपक जला के रखना, थाली सजा के रखना दीपक जला के रखना, घर में चलेंगे वंदन महावीर नाम जपना। थाली सजा के रखना दीपक जला के जला के रखना, थाली सजा के रखना दीपक जला के रखना। जय जय हो, जय जय हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियों से उनके श्रेष्ठ भावों की मुद्रा करें। जय बोलो गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितने गुरु भक्त हैं, मैं जो गाने जा रहा हूं, आप सबकी भावनाओं इत्तेफाक उस बात से रखेंगे तो मेरे साथ गाएंगे। छाई काली घटाएं तो प्यार छतरी के नीचे आगे आगे है गुरु तेरे, अपने गुरुवर के पीछे हूँ मैं।
सुमा मेरा हाथ है, मुझ पर डरने की क्या बात है, सागर मेरे साथ है, मानी छली कपटी घमंडी स्वादिष्ट।
स्वादिष्ट भोजन करने वाली तथा मखमल की गद्दी पर बैठ कर के धर्म चर्चा करने वाली टिकट की लाइन पर खड़े ना हो। धन्यवाद। बहुत सारी आज मुझे खजुराहो भी जाना था, लेकिन खोज महाराज श्री का आशीर्वाद था, आप सभी का प्रेम था। एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ, जिसमें मैं देश भर के यहाँ की अमिताभ बच्चन से लेकर के आचार्य रजनीश तक वहां तक ढेर सारी कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। हमारे बीच में आज एक और महान व्यक्तित्व के धनी सम्मान्य श्री निर्मल जी से की हमारे बीच में हैं, उनके सम्मान में जोरदार तरीके तालियां बजाएं। वे आज हमारे बीच यहाँ पर आ रहे हैं, वे आ जाएं। हमारे गोधा जी, कमल जी, पवन जी गोधा, उन्हें मंच तक लेकर के आ जाएं। लीजिए, आज वो पावन घड़ी है जब मैं मूकमांडी महाकाव, जिस मूकमांडी महाकाव को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए फाइनल के कोर्स में रखा गया, उस मूकमांडी की कविता की छोटी सी कविता सुनाता हूँ, जिसमें लोगों को भ्रम है कि आवाज भी आचार्य विद्यासागर जी जैसी है। आप लोग सुनना चाहते हैं? ओम, ताली बजाएं जोरदार। ओम शांति, ओम शांति। बिल्कुल साइलेंट रहने की आदत डाले, कितना शांत सभागार है, लेकिन पक्षियों की आवाज कितनी ज्यादा है। लीजिए, मुख मांडी की छोटी सी कविता सुनाता हूँ, जिनमें लोगों को भ्रम है कि आचार्य श्री एस आवाज। ओम नमः सिद्धिव्यम्, ओम नमः सिद्धिव्यम्, जय बोले देवादि देव अधिज देव हजार श्री आदिनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की, मंगल चरण हुआ इश्क उपरांत सीमा तीत शून्य मई नीलमा विषयी, इधर नीचे मेरी नीलमता छाई, निशा का अवसान हो रहा है, भानु की निद्रा टूट तो गई है, किंतु वह लेटा है माँ की मार्दव गोद में, मुख पर अंचल लिए करवटें बदल रहा है, लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभा करके करछुवन से बचना चाहती है, वह अपनी सराग मुद्रा को पराग मुद्रा को पाखरियों की ओट देती है, लो इधर वह अधुखली कमलनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर, क्योंकि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, वह स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना, जिस देश में सूर्योदय के पहले पहले लाखों लाख पशुओं का वध कर दिया जाता हो, जिस देश की अर्थव्यवस्था मांस बेच कर की पूरी की जाती हो, वह देश राम और महावीर का नहीं हो सकता। यही प्रार्थना तो मैं सिर्फ माहौल को साइलेंट बनाने के लिए मात्र आधे मिनट में दो आवाजों सुनाना चाहता हूँ। मैंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उपाध्याय मुक्ति सागर जी महाराज पर एक सीडी ऑडियो वीडियो कैसेट के माध्यम से मैं समय हूँ महाभारत में, जैसे बोलते संघ बजाने का प्रयास मुझसे कर रहा हूँ, ग्रीनेज बुक में प्रस्तावित है। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज मैं उनके चरणों में बहुत दिनों के बाद आया हूँ, वे बहुत महान तपस्वी सम्राट हैं। मैं एक दो आवाज सुना करके अपना, ताकि माहौल बहुत अच्छा बन जाए। महाभारत का मैं समय हूँ, यदि मैं दो मिनट लेट नहीं होता तो आज महाभारत में मेरी आवाज आती, फिर भी आप लोगों के प्रेम स्नेह से बरताली। दया धर्म जब जब घटे बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जग पालक के गर्भ में होता हूँ, तभी अंधकार बन करके प्रकट भी रहता हूँ, रात भी मैं ही हूँ और दिन भी मैं ही हूँ, जब जब प्रकृति का अंतराल उलझता है तब तब प्रकृति की गोद में परमात्मा के एक प्रतिनिधि का जन्म होता है। शरद पूर्णिमा संवत 2003 10 अक्टूबर 1946 शरद पूर्णिमा का चांद आज इतनी ज्यादा चांदनी क्यों बिखेर रहा है, ये किसके आने की तैयारियां चल रही हैं, लक्षण तो स्वयं भगवान के अवतरण होने के हैं। इस बात को यही छोड़कर मैं आपको राजस्थान के अजमेर शहर की ओर ले चल रहा हूं। उन दिनों राजस्थान के अजमेर शहर में बस एक ही चर्चा चलती रहती थी, 21 वर्ष की उम्र में यौवन को पराजित करने वाला ब्रह्मचारी देखना हो तो देखें पीलू बनाम विद्याधर को। यदि मैं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के त्याग और तपस्या की कहानी सुनाऊं, या उनके ही पूज्य शिष्य
मुनि उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के त्याग और तपस्या की कहानी सुनाओ तो कई दिन और कई रातें व्यतीत हो जाएंगी, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसीलिए मैं उन्हें यहीं पर प्रणाम करता हूँ। अंतिम मोक्षमाटी महाकाव्य बात दुनिया में आज तक इतने सारे नमोस्तु, इतने सारे शब्दों का नमोस्तु किसी ने नहीं किया। मैंने विद्यासागर जी महाराज की सभा में भी सुनाया तो आचार्य श्री बहुत हंसे, उनकी आवाज में सुनाया बहुत हंसे, बोले ये सब कैसे। मैंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से और पूज गुप्ती सागर जी महाराज की कृपा से। चार पंक्ति लिख करना चाहता हूँ। आचार्य श्री हैज वेरी गुड कमांड ओवर डिफरेंट लैंग्वेज इन हिंदी अंग्रेजी कन्नड़ बंगाली मराठी संस्कृत, मगर वो मुखमांडी कहाँ महाकाव्य जिस मुखमांडी महाकाव्य की तुलना बड़े बड़े विद्वानों मनीषो दार्शनिक चिंतकों इंटरनेशनल पोएट मिल्टन के पैराडाइज लाल प्रसाद की कामिनी वाल्मीकि रामायण कालिदास की मेघदूत और रघुवंश से जिस मुखमांडी महाकाव्य की तुलना की, ऐसे मुखमांडी महाकाव्य के लेखक रचयिता राइटर समाधि सम्राट सम्राटों के सम्राट विश्ववंदनी प्रातस्मरणी मौन के साधक महान तत्ववेता दिगंबर आचार्य संयम आचार्य जैन आचार्य वाणी भूषण संत श्रोमणि चार श्रोमणि महावीर के लघुनंदन कुंद कुंद गुरु के कुंदन ऋषिवर गुरुवर मुनिवर आचार्यवर हंसवर विवेकी सिंह से पराक्रमी हाथीवर स्वाभिमानी हिंदुवर शीतल तरु संप्रोपकारी आध्यात्म जगत के अनमोल रत्न साधना के सम्मिश्र शिखर जिनका मुखमंडल निहारने से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हजारों सूरज अपनी किरण एक साथ बिखेर रहे हो, जिन्होंने अनंत निंदाओं अनंत प्रशंसाओं का आज तक कोई उत्तर नहीं दिया, जिनका त्याग हिमालय से ऊंचा है, जिनका ज्ञान सागर से गहरा है, जिनके चरणों के दर्शन कर चंदन सी शीतलता प्राप्त होती है, ऐसे श्रवण संस्कृति के महाउन्नायक युग दृष्टा युग चेता महाकवि काबर जगत के कर्णधार साधना के सचेत सदन ज्ञान दीप के तप सूर ऐसे आचार्य परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में त्रिवार पूरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लीजिए हमारा आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो। हमारे भाई आदरणीय भैया बहुत अच्छा यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। पूज्य गुप्ती सागर जी महाराज के द्वारा उनके सानिध्य में जब हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ जी आए थे पूरे देश में वो चर्चा रही, गुरुदेव के चरणों में चर्चा रही। पर पुनः तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। हमारे बीच भारत सरकार के माननीय श्री उपेंद्र सिंह कुशवाहा जी केंद्रीय राज्य के शिक्षा मंत्री जी उपस्थित हैं। हम सभी ये बता दें कि हम किसी कुशल शासक की अच्छी प्रजा के समान हैं और हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिवादन करें। उपेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी को ये बात प्रतीत होना चाहिए कि जैनों के हृदय में जितना अभिवादन और स्वागत है ये शायद किसी संप्रदाय। दोनों हाथ उठाकर एक बार तालियों की इतनी गड़गड़ाहट आई। शिक्षा किसी भी संप्रदाय को चरमोत्कर्ष तक ले जाती है। हमारे बीच उपेंद्र सिंह जी कुशवाहा जी उपस्थित हैं, गुरुदेव के पूज्य पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। नेता राजनेता ऐसे ही होना चाहिए। एक बार भैया खड़े हो जाएं, एक बार जोरदार तालियों से हम अपने ही लाडले दिल्ली प्रांत के लाडले। और ये बात सुनकर तो अति खुशी हुई, अजय भैया ने अभी बताया कि 108 हाँ। और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी सत्येंद्र भैया दोनों जन साथ बैठे इतनी सरलता से अभी आ रहे थे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई गनमैन नहीं, दोनों ही सज्जनों में वास्तव में ईश्वर ने इतनी सरलता भरी है जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी में राज का नेतृत्व करते हुए प्रजा का नेतृत्व करते हुए। बहुत दोनों हाथ रखकर एक बार तालियां बजाएं। धन्यवाद सत्येंद्र भैया आप भी यहीं इसी तरफ आ जाए। कर लो कोई चलिए बस। दोनों सज्जन हमारे बीच उपस्थित हैं और तिलक और माल्यार्पण के माध्यम से हमारी जो परंपरा है अतिथि देवो भव भव उसका निर्वहन कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर निवेदन करें। सारे आप पढ़े लिखे सुसज्जित समाज के लोग हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे बातें करने से कि आप कहीं भी कुछ कमी कर रहे हैं अपने अनुशासन में अपनी शालीनता में। ताली बजाकर मुस्कुराते रहें और इस कार्यक्रम की महिमा बढ़ाते रहें। मैं इसी क्रम में
सत्येंद्र भैया से निवेदन करूंगा इस अवसर पर आप पधारें, अपने भाव विनय रूप में गुरु चरण में प्रस्तुत करें, जोरदार तालियों से उनके अच्छे भाव। भैया पीयूष जी वे भी हमारे बीच हैं जो उपेंद्र सिंह जी को साथ में लेकर आए हैं, ताली बजाकर भैया पीयूष जी जैन साहब का भी अपना अभिवादन करें। सत्येंद्र भैया अपने मंगल भाव विनय भाव गुरु चरणों में प्रस्तुत करें। अपने परिवार के कोई व्यक्ति भारत के किसी प्रतिनिधि के रूप में आए तो वात्सल्य तो दिखाएं, लेकिन गरोबा जैसा माहौल नहीं, ताली बजाकर शांति और फील्ड ऑफ टैलेंट जैसा ऐसा माहौल अपने घर के व्यक्ति को भी लगे कि मेरे परिवार के लोग भी मेरी गुणवत्ता के प्रति वात्सल्य रखते हैं, अपना स्नेह बरसाते हैं पूरे अनुशासन के साथ। भैया सत्येंद्र जी के अच्छे भावों को सुने, गुरु चरणों में भी अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। भैया सत्येंद्र जी, भैया आप यहाँ से पोडियम पे लगे, चलो पोडियम पे लगे मंत्री जी को ठीक करते हैं। आप लोग पीछे वाले थोड़े से अनुशासन रखेंगे, पीछे तो बहुत अच्छा महसूस होगा पीछे वालों को। परम पूज्य उपाध्याय श्री जानकर जी महाराज के चरणों में मेरी ओर से सत्सत वंदना नमोस्तु। सभी धर्मानुदारियों श्री कुशवाहा जी जो हमारे सम्मेलन का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आज फिर से गुरुदेव के चरणों में अपना सर नतमस्तक करने का मौका मिला, अपने आप को अहोभाग्य समझता हूँ। मेरे प्रति और पूरे समाज के प्रति जो उनका स्नेह है, महाराज जी जो बातें बताते हैं, मुझे लगता है कुछ कुछ उनका पालन करने की कोशिश जरूर करता हूँ मैं, सारी तो नहीं कर पाते, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ पे डांट भी खा लेते हैं, कहते हैं ये नहीं किया। अब महाराज जी बिल्कुल पास में आ रहे हैं, जो पूरे चार महीने इधर दर्शन करने का लाभ मिलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि बार बार आता रहूं दर्शन करने के लिए। अभी भाई साहब जो बता रहे थे आचार्य विद्यासागर जी के जो दर्शन करने गया था, मैं सिर्फ दर्शन करने गया था, मेरा मन में ऐसा कुछ नहीं था कि हार देने का विचार था, मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि वहाँ गए। पर मुझे मौका मिला जीवन में पहली बारी किसी भी मुनि को हार देने का, उससे पहले मैंने कभी नहीं दिया था। और बस मन में ऐसा भाव आया था उस टाइम पर कि मैं चलो 101 दिन मैं भी एक आसना करता हूँ, और भगवान ने देखा प्रताप देखेगा 101 नहीं वो 251 चल गई, तो उसका अंत हुआ उपवास है, 8 दिन का जो उपवास किया था ना एरिया में बैठ गए, तब उसके बाद वो खत्म हुआ था, तो 251 चल गया था। तो मुझे लगता है कि हमारे गुरुओं के अंदर जो प्रताप है उसकी वजह से हम लोग जो भी प्राप्त कर पा रहे हैं वही उसी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। महाराज जो बात बताते हैं कई बार उसके पहले समझ नहीं आता हुआ कैसे आशीर्वाद मिलना है, भाई भाई समझ होता है। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आ जाए इसको देख के मुझे लगता है कि मैं पहले समझता था शायद रोहिणी में ज़्यादा महाराज जी के भक्त हैं, अब तो पता लग रहा है यहाँ पर भी हुआ था। और ऐसा रहा ना कंपटीशन है शक्तिनगर में या रोहिणी में कहाँ पे ज़्यादा है। तो मैं एक बार फिर से महाराज जी के चरणों में नमस्तु और सरस्वत वंदना फिर से मैं आऊँगा। धन्यवाद। आने से दर्शाई अपनी मितभाषी का भी अल्प शब्दों में अच्छी बात कहकर दर्शाई जोरदार तालियों के अच्छे भावों के मौके। इसके उपरांत भारत सरकार के राजकीय शिक्षा मंत्री जी श्री उपेंद्र जी कुशवाहा जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सबका परम कर्तव्य है अतिथि देवो भव की परंपरा को निर्वहन करते हुए उनका आमंत्रण करें और वे भी आकर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज
परम पूज्य 108वें उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त करें। जोरदार तालियों से हम सब उन्हें आमंत्रित करें। उपेंद्र कुशवाहा पधारे और अपने श्रेष्ठ भाव समर्पित। परम आदरणीय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी महानुभावों, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री जैन साहब, आपके और हमारे बीच में जिन्होंने कड़ी का काम किया, जिनके कारण मैं कहूँ कि मेरी उपस्थिति यहाँ हुई है, श्री पीयूष जैन साहब, देवियों और सज्जनों, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। कहते हैं कि यह सौभाग्य होता है किसी का, संतों मुनियों के शरण में जाने का। आज यह अवसर मुझको मिला महाराज जी के दर्शन का, इनके चरणों में मैं अपना सर झुकाता हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है। मैं मेरी जन्म धरती, मेरा जन्म वहां हुआ है जहां भाग भगवान महावीर का जन्म हुआ है। वैशाली की वह धरती, मेरा जन्म भी उसी धरती पे हुआ था। मैं इसको सौभाग्य समझता हूं। आप बता रहे थे कि बहुत सादगी के साथ आपका प्रवेश हुआ, मेरा प्रवेश यहाँ हुआ। अब वैशाली की धरती से चलकर आया हुआ कोई व्यक्ति अब इस मुझको तो ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं अपने परिवार में, अपने घर के सदस्यों के बीच हूँ। ऐसे में औपचारिकता किस बात, इसलिए मुझको बेहद प्रसन्नता हो रही है आज यह व्यवहार करें। हम लोग तो राजनीति वाले लोग हैं जैन साहब हम लोग, लेकिन मेरी खुद की मान्यता है कि धर्म और राजनीति में बहुत अंतर नहीं है। लक्ष्य एक ही होता है। हम भी चाहते हैं, राजनीति वाले लोग भी चाहते हैं कि समाज अच्छाइयों से भरा हो, समाज, देश, राज और पूरी दुनिया में सद्भाव रहे, सब लोग अमन चैन शांति से रहें, सब लोग अपने जीवन को ठीक से जिए। धर्म भी यही चाहता है, धर्म भी यही चाहता है। इस दृष्टि से मैं तो मानता हूं कि धर्म बेहतर काम कर सकता है, करता भी है राजनीति की तुलना में। लोग अच्छे हो, उनके अंदर अच्छाइयां आवे। राजनीति वाले लोग डंडा लाकर अच्छाइयां लाना चाहते हैं, धर्म वाले अंदर से परिवर्तन। हम सड़कों पर चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, सीट बेल्ट इसलिए लोग लगाते हैं कि पुलिस खड़ी है, पकड़े जाएंगे, फाइन हो जाएगा। तो डर से हम कानून बनाते हैं कि डर से यह बात मानिए, लेकिन धर्म तो ऐसा अंदर का परिवर्तन करता है कि लोगों को लगता है कि हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए चीज बन गई। मेरी पूरी पूरी शुभकामना है हमारे यहाँ की जो अपने देश की जो संस्कृति रही है, इस संस्कृति में, जिस संस्कृति से, जिस संस्कृति की उपज के रूप में जैन धर्म आया,
इस संस्कृति को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। कर्म के आधार पर हो कि जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पे चलने वाली जो संस्कृति है, मैं समझता हूं कि देर सवेर यही संस्कृति लोगों का भला कर सके। इसलिए मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है कि संस्कृति को और अधिक बढ़ने फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए। आप सब लोग इसी काम में लगे हैं। मैं विशेष रूप से आदरणीय परमादरणीय मुक्ति सागर जी महाराज का हृदय से इनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मेरी कामना है कि जिस तरह से आज मेरी उपस्थिति आपके बीच हुई, आगे भी आपसे मेरा संबंध निरंतर बना रहे, इसी आकांक्षा अपेक्षा के साथ मुझको यहां आने का अवसर मिला, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच माननीय श्री उपेंद्र सिंह जी जैन साहब और जैन दर्शन अंतरंग सुधार की बात करता है। निश्चित रूप से स्वाध्याय श्री ने अत्यधिक बुद्धिमान है, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय अल्प शब्दों में दिया। जितने लोगों को इनका संभाषण अच्छा लगा और इन्होंने जो बात कही कि मैं हमेशा जैन संप्रदाय से जुड़ा रहा, आप जैन ही हैं, जुड़े हुए की बात ही नहीं, आप हमारे भी हिस्से। दोनों हाथ उठाकर एक बार इनका अभिवादन करें। शतक हमारे बीच इसी क्रम में भैया श्री अखिलेश त्रिपाठी जी, जो इस क्षेत्र के गौरवशाली लाडले अच्छे श्रेष्ठ विधायक हैं, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से अच्छे भावों की अनुमोदना करें। तालियों में कमी ना करें, अतिथि देवो भव, हम कूट कूट कर इस परंपरा से भरे हुए हैं कि बात दर्शन आए और पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन का प्रतीक श्रीफल अर्पित कर आशीष प्राप्त करें। इनके साथ में निगम पार्षद श्रीमती सीमा गुप्ता जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूँ यथाशीघ्र आए और विधायक महोदय के साथ मंत्री जी के साथ श्रीफल अर्पित करके आशीष प्राप्त करें। भैया पंकज गुप्ता जी भी लोकसभा प्रभारी जी हमारे बीच हैं, तालियां बजाकर सभी के अच्छे भावों की श्रेष्ठ अनुमोदना, अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते जाए। श्रीफल अर्पित करें, आशीर्वाद दें, गुरु चरणों का सानिध्य और उनका हमेशा बना रहे। और ये समस्त मंत्री महोदय विधायक जी, निगम पार्षद शक्ति नगर श्रीमान जोगी राम जी जैन साहब, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं, ताली बजाकर उनके भी अच्छे भावों की मुद्रा करें, पधारे और पूज्य पावन गुरुदेव के श्री चरणों में श्री फल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमान जोगी राम जी जैन साहब, पहुंचे बहुत सुंदर है। चेयरमैन साहब केशवपुरम, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद दे रहे हैं। और इसके उपरांत सीधे सीधे मैं आज कार्यक्रम को गति देने के हेतु गुरु महाराज का मुझे संकेत मिला है, निवेदन करता हूँ। आज की ये चातुर्मास महामहोत्सव की सभा आगे अपनी ओर द्रुत गति से बढ़े, उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री भक्ति सागर महाराज जी के पाद प्रक्षालन की मंगल कार्य हेतु, क्योंकि आमंत्रित करता हूँ श्री सुभाष जी जैन, अमित जी जैन अशोक विहार, श्री ज्ञानचंद जी अशोक विहार, श्री सुनील जी मोना जनरेटर निर्माण विहार, सत्येंद्र जी जैन नीलम थ्रेड। पुनः निवेदन करता हूँ श्री सुभाष जी जैन, अमित जी जैन अशोक विहार, श्री ज्ञानचंद जी अशोक विहार, श्री सुनील जी मोना जनरेटर निर्माण विहार एवं श्री सत्येंद्र जी जैन नीलम थ्रेड, ये सज्जन आए और इस पावन पुनीत अवसर पर गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के मंगल कार्य के साथ अपने जीवन अपने आचरण के प्रक्षालन की मंगल भावनाएं हम आए पधारे। जिन सज्जनों के मैंने नाम लिए हैं वे चारों सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, शीघ्रता से आए। श्री अशोक जी जैन, सुभाष जी जैन, अमित जी जैन अशोक विहार, ज्ञानचंद जी जैन अशोक विहार,
सुनील जैन मौना जैन का निर्माण विहार, सत्येंद्र जैन नीलम थ्रेड अशोक विहार, उस तरफ से वहीं पद पूछा उस तरफ से रजत थाल और रजत थाल और कलश वहीं रखे हुए हैं भैया, अभी पद पूछा कराओ चांदी का थाल रखा। बबीता दीदी बहुत अच्छा सुंदर सा कोई गीत, आप सभी जिन जिन को ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं पान प्रक्षालन कर पा रहे गुरुदेव का, वे सभी अपने दोनों हाथ उठाकर भक्ति के साथ ताली बजाकर सच्चे कार्य की अनुमोदना करें। और जिन जिन सज्जनों के आज पुण्य भाग से नाम चयनित है वे गुरुदेव का पान प्रक्षालन कर पुण्य एकत्रित करें। मेरा निवेदन है जो भी लोग स्टेज पर आ रहे हैं वो समूची बलिहारी उस देश की, तो सारा विश्व जीत कर दंभ फोड़ने लगा तो प्रभु ताना स्वीकारी चक्री नरेश की, और जीता है स्वयं को अहम से परे होके, जय बोलिएगा भगवान गोमतेश की, जय बोलिएगा भगवान गोमतेश की, बाहुबली गोमतेश भगवान की, भाई रूपेश जी, बबीता झांझरी जी, राज किंग भैया जी, अजय जी और मैं, गोधा जी का आदेश हुआ और हमारे नवीन भैया विवेक बिहार वालों ने मुहर लगाई कि इनको बुलाइए गुरुदेव का आदेश। मैं केवल चार मिनट लेता हूँ, एक मिनट खत्म हुआ मेरा। मुझे कहा गया नवीन भैया मेरे कुछ नई पंक्तियां लिख के लाना आचार्य गुरुवर के लिए। गुरुवर मैंने कलम उठाई, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चित्र की तरफ देखा, मेरी लेखनी ने मना कर दिया, बोले क्या लिखते हो। मैंने कहा गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऊपर कविता, बोले नहीं लिख सकते। मैंने कहा क्यों, तब कलम बोली किसी के लिए कुछ लिखा जाता है तो उसे उपमा देनी पड़ती है, बताओ गुरुदेव विद्यासागर महाराज को किस वस्तु की उपमा दोगे। मैंने कहा सूर्य की, बोले कैसे। मैंने कहा सूर्य करोड़ों रश्मियों से धरती तल को प्रकाशित करता है, आह्वान करता है, मेरे गुरुदेव भी अपने वचनों की किरणों से पूरी सृष्टि को आनंदित करते आह्वान करते हैं। कलम बोली नहीं, तालियां गलत जगह बजाएं, रुकिए, कलम बोली नहीं, माना कि सूर्य अपनी किरणों से धरती तल को प्रकाशित करता है पर उसमें भयंकर तपन है, गर्मी है, आग है, मेरे गुरुदेव तो केवल और केवल शीतलता की धारी। मैंने कहा मजा आया, मुझे पकड़ में आ गया शीतलता की वस्तु चंद्रमा। मैंने कहा ठीक, गुरुवर को चंद्रमा की उपमा देता हूं। कलम ने फिर मना कर दिया, नहीं, माना कि चंद्रमा धवल है, शीतल है, पर उसके अंदर एक दाग है, मेरे गुरुदेव की छवि तो निष्कलंक है। मैंने कहा प्रतीक क्या बचा दुनिया में, मैंने सागर को ढूंढा, समंदर को ढूंढा। मैंने कहा गुरुवर को समंदर की उपमा देता हूं, समुद्र धीर है, वीर है, गंभीर है। कलम ने फिर मना कर दिया, नहीं दे सकते, माना कि समुद्र धीर है, वीर है, गंभीर है, कई करोड़ों जीवों का पालन हारा है पर उसमें खारापन है, गुरुदेव के वचनों में तो केवल और केवल मिठास भरी पड़ी है।
अब पंक्तियां निश्चित हुई, मेरे दो मिनट खत्म हुए। कि तू सूरज की उपमा तुमको, उसमें भी तो आग, अरे उसमें भी खारापन है। तुम निर्ग्रंथ महंत संत हो, बस ये ही दीवानापन है। और चार पंक्तियां देखना, दिगंबर की अजय परंपरा के धारी शाकाहार प्रवर्धक उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज यहां पर विराजमान है। क्या है दिगंबर शब्द? सतेंद्र भैया मंत्री जी अगर हो तो सुनना, कि उठे उठे ऊंचा कोई कितना वो अंबर हो नहीं सकता, बढ़े आकार पर कतरा समंदर हो नहीं सकता, अरे दहकती आग में तपता तड़पता तब है कुंदन सा, यही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं, यही दुनिया में हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। अब मेरे दो मिनट खत्म हुए, केवल दो मिनट में पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की पूजन करता हूँ। राजेंद्र भैया इतिहास में पहली बार बिना द्रव्य के दो मिनट में पूजन कर रहा हूँ। रूपेश भाई पूरे देश में ये पूजन जाए, दो मिनट में बिना द्रव्य के कैसे पूजन हो सकती है उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की? अष्ट द्रव्य के नाम सब जानते हैं। आपका सौभाग्य है कि गुरुवर आपके प्रताप नगर में प्रताप बाग में विराजमान हुए। हमारे बड़े भाई संतोष जी शास्त्री गुड़गांव से विराजमान है, वे भी पूजन में सम्मिलित हो। इस दो मिनट की पूजन में अष्ट द्रव्य देखना, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की मुख मुद्रा को देखना, मेरे द्रव्य क्या है, मेरे शब्द क्या है। सुनना मेरी पंक्तियों को, कि जो स्वयं महासागर हैं इनको क्या नीर चढ़ाएं, जो स्वयं महासागर हैं इनको क्या नीर चढ़ाएं, चंदन सम शीतल तनमन जो दुनिया को महकाएं, अरे अक्षत सम है अटल साधना पुष्प सरिका नेह, रत्न त्रय नैवेद्य आपकी दीपक सा आतम गे, अरे क्या दे क्या दे क्या दे, धूप दशांग तुम्हें तुम द्वादशांग के नंदन। अभी रोकिए तालियों को, क्या दे खूब दशांग तुम है तुम दाद संग के नंदन, और जहां चरण पड़ते गुरुवर के हो जाता है नंदन वन, सारे फल छोटे लगते इन गुरु चरणों के आगे, अरे सारे सारे फल छोटे लगते इन गुरु चरणों के आगे, ए फकीर पर सारी दुनिया इनसे ही क्यों मांगे। अब सुनना अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा हूं मैं, एक शहर आपके चरणों में रखता हूं, कि अमीरी की तो ऐसी की कि अपना सब लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की उसी के घर में जा बैठे। अब सुनना पंक्ति अंतिम पड़ाव की ओर, के सारे फल छोटे लगते इन गुरु चरणों के आगे, एक फकीर पर सारी दुनिया इनसे ही क्यों मांगे, तो गुरुवर के आशीषों से ये फकिया सदा खिली है, देते नहीं दिखे गुरुवर पर झोली भरी मिली है, देते नहीं दिखे गुरुवर पर झोली भरी मिली है। तो उपाध्याय गुप्ती सागर जी रत्नत्रय का श्रृंगार है, अध्यात्म का श्रृंगार है, आदिनाथ और महावीर का बस यही तो अवतार है, आदिनाथ और महावीर का बस यही तो अवतार है। मैंने शायद 5 मिनट पूरे किए, मैं बहुत कुछ लेके आया था पर मैं समय की विडंबना समझ रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुना आपकी तालियां आना चाहिए। जब जब कोई व्यक्ति अपने गुणों से गुरु चरण में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करे, चाहे वो अजय अहिंसा भैया हो, चाहे कमलेश जी वसंत हो, चाहे रूपेश भाई हो, चाहे बबीता जी हो, हाथ जोड़े सब लोग बोले गुणीजनों को देख हृदय में प्रेम दिखना चाहिए, दोनों हाथों दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के माध्यम से प्रेम दिखना चाहिए। आज हमारे बीच इंदौर महाप्रांत मध्य प्रदेश प्रांत से इंदौर नगर से श्रीमान सुभाष जी सावरिया जी उद्योगपति जी हमारे बीच अनन्य गुरु भक्त हैं, और मनोज जी सेठी जी वे दोनों से जनाए हैं गुरु चरणों में नमन अर्पित करते हुए आज आशीर्वाद है, और अतिथि विशेषों की श्रृंखला में आप सभी विराजें। हम लोगों ने तो सिर्फ 1000-1500 लोगों की व्यवस्था की थी, लेकिन ये बड़े बड़े उद्योगपति, देश के बड़े बड़े कवि, संगीतकार, गायक, बड़े बड़े शिक्षक, मंत्री, संतरी, राजनेता, अभिनेता, ये सभी जगह ना होते हुए भी जहां जिसको जगह मिल रही है, गुरु के चरणों का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि सारे लोग अगर जहां जगह मिल रही है वहीं विराजते जा रहे हैं। दोनों हाथों का श्रीफल बनाए और एक साथ बोलिए हे गुरुदेव, बोलिए हे गुरुदेव, ना तारा बनू ना राजा बनू ना बनू फूल, बनू तो मैं बनू धूल, और चिपका रहूं गुरु चरणों में, चिपका रहूं गुरु चरणों में। नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करता हूं।
अपने मंगल उपदेश से हम सभी को अवगत करें और हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि ये व्यक्ति जितना छोटा जितना बड़ा जितना हाई क्लास दिखता मुझे नहीं पता क्या क्या है। शिखर जी की यात्रा का भी कार्यक्रम चल रहा है, 3100 लोग लगातार फोन लगा रहे हैं, पत्नी भी डांट रही, फोन पर खाना नहीं खाया, परिवार वाले भी कहीं ना कहीं बुरा भला बोल ही देते, पापा तुम्हें समय नहीं है, समाज वाले भी पकड़ रहे हैं, महाराज जी ने दीदी ने सबने बता दिया। कल रात को 1 बजे यहाँ से गए और आज सुबह 5 बजे मंदिर जी में उपस्थित थे। भैया को धन्यवाद दें इतनी सुंदर सुव्यवस्थित व्यवस्था का, संपूर्ण ये प्लानिंग संयोजन इन्होंने किया है, वे सबका प्रतिनिधित्व करते हुए पूज्य भावन गुरुदेव के चरणों में प्रवचन हेतु निवेदन करें। महाराज श्री के चरणों में सभी एक बार खड़े होकर 3 बार नमोस्तु बोलते हुए निवेदन करें। और मैं सबसे पहले अपने परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में विद्यांजलि समर्पित करना चाहता हूं। दिल्ली में पहुंच और हमारे साधु हैं, लेकिन कुछ मनचले लोग ऐसे कहते हैं वही पास साधु हैं। पर आचार्य विद्यासागर महाराज को जाके पूछना कि कौन साधु उनका है दिल्ली में, मैं विनयांजलि समर्पित कर रहा हूं और आप श्रद्धा के स्वरों के साथ गुरु की वंदना करना, गुरु के चरणों में चेहरा एक हो, 2 3 4 5 6 चेहरे नहीं होना चाहिए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें न गुरुवर, मन का विश्वास हमें सोचे कि क्या
ने कहा है, गुरुवर ने कहा है, रिश्तों की बगिया में रिश्ता, नीम के जेठ नीम के पेड़ जैसा गिरतना। गुरुवर ने कहा है, रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता, नीम के पेड़ जैसा भी रखना। दो सीख भले ही कड़वी देता हो, परंतु तकलीफ में मरहम भी बनता। गुरुवर ने तो हमें सिखाया है, खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती है, खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं। दूसरे के माथे पर लगाओ, अपनी भी अंगुलियां महकती हैं। किंतु क्या बताऊं, उस धरती पर रहने वाले लोगों की कहानी बड़ी विचित्र है। कैसे कैसे लोग हैं, तुलसीदास तो ना जाने लोगों की वैरायटी निकल गए। परंतु महावीर ने कहा, अपने मन को शुद्ध रखो, अगर हमारा मन शुद्ध होगा सारी धरती शुद्ध हो जाएगी। हमें अपने मन को शुद्ध करना, और इसीलिए महावीर ने कहा कि दो बातें हमें ध्यान रखने की हैं, एक अहम और दूसरा बहम। इंसान अपने को अहम और बहम से बचाएगा तो धरती का मालिक हो जाएगा। हमें अपनी जिंदगी में इस बात का ख्याल देने की जरूरत है। 41वां वर्ष आयु चतुर्मास दिल्ली की माटी पर, जहां पूरे संसार के लोग आने को तत्पर होते हैं, उस माटी पर आदिनाथ से महावीर का संदेश। इस बीच हमें ख्याल रखना है, शरीरम योगी नाम ग्रहम, शरीर योगियों का ग्रह। आचार्य श्रवण संस्कृति के भगवंत कुंद पुराचार्य कहते, एक अंगुल में 96 रोग होते, इसे एक अंगुल बोलते, इसमें 96 रोग होते, तो पूरे शरीर में कितने रोग हो सकते हैं। साइंस ने कहा है 600 अलग कोशिकाएं इस शरीर में होती हैं, और अशयन की भूमिका में अनायास ही इन 600 अलग कोशिकाओं की मृत्यु भी हो जाती है। काश हम होश में हैं तो इन 600 अरब कोशिकाओं की मृत्यु नहीं होती। मर्दो वा जीरो वा ऐदा चारा सनिच्छदा इंसान, जीव मरे अथवा ना मरे, किंतु यदि जागरूक नहीं है तो निश्चय हिंसा है। वर्षा योग अहिंसा का पर्व है। महर्षि चरक ने कहा है, हितकारी आहार और विहार का सेवन करने वाला, विचार पूर्वक कार्य करने वाला, काम क्रोधादि विषयों में आसक्त न रहने वाला, दान देने वाला, सभी प्राणियों पर सम का दृष्टि रखने वाला, सत्यनिष्ठ सहनशील पर आप्त पुरुषों की सेवा करने वाला मनुष्य रोग रहित होता है। धर्म स्थिर बंधु व वर्षा योग की भूमिका में दाखला ले रहे, पर उनको इस बात का विचार होना चाहिए, जब पूरी धरती जीवों का योनि स्थान बन जाता है, सूर्य अपनी उष्मा को खींच में लग जाता है। वीर शनाचार्य ने कहा है, सूर्य की उष्मा से हमारा पाचन तंत्र कामयाबी देता है। जैसे जैसे बरसात बढ़ती चली जाती है, हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और
ब्रह्मांड में 23 प्रकार की वर्णाएं भरी हुई हैं, जिसमें तरह तरह की गैसें भी भरी हुई है, और वो सब विषाक्त जैसे बरसात के दिनों में वनस्पतियों पर गिर जाती है। कहते हैं शाकेशु सर्वेशु वसन्ति रोगा सहित रोगे विनाश नाय तस्मा बोधा शाक निवर्जनम ही कुड़िया तथा अमले सुसहित दोष। सभी शाकों में सर्वेशु शाकेशु वसन्ति रोगा, श्रावण भादो के महीने में कोई साग भाजी नहीं खाना चाहिए। मैंने सावन और भादों के लिए साग भाजी का पूरा त्याग कर दिया। आयुर्वेद में कहते हैं दूध भी नहीं पीना, दूध पियोगे तो मरोगे नहीं तो बीमार जरूर होगे। दूध भी जरूर पीना सावन भादों के महीने में। कोई दूध गुड़गांव से लाए, कोई बंबई से लाए, कोई आगरा से लाए, लेकिन गुरुओं ने कहा कि दूध नहीं पीना और मिष्ठान भी नहीं खाना। चार महीने के लिए मीठे का भी त्याग कर दिया है। मीठा बोलना सीखो, मीठा तो बहुत खाया है। मीठा बोलना भाषा समिति आने पर ही हो सकेगा। और क्या कहूं, लोग तेल लगाते हैं अपना काम सिद्ध करने को, मैं तेल का भी त्याग करते हूं चार महीने के लिए। और दही में बड़ा चिकनापन होता है, मैं दही भी चार महीने के लिए त्याग करता हूं। असंयम के साथ व्यक्ति सिर मर जाता है। संयम की बहुत बड़ी उम्र होती है। सभी साग भाजियों में आचार्यों ने कहा बुद्धिमानों को साग का क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े सूक्ष्म जीव आते हैं, और अहिंसा की रक्षा करने वाले व्यक्ति को चाहिए यावत कंठ कथा प्राणा तावत कार्य प्रतिक्रिया। जब तक शरीर में प्राण हो हमें अहिंसा महाव्रत की रक्षा करना है, और अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने के लिए पानी पर भी जी असर कर सकता है। पानी पी करके भी आदमी जी सकता है। भ्रम मनुष्य का कि भोजन ना मिलेगा तो जीवन निकल जाएगा। और एक और मजे की बात आप सुन लीजिए, बहुत जरूरत है। अंत में कहते हैं कुरिया तथा अमलेशु सहित दोषा, और जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो भी कैंसर जैसी महाघातक बीमारी को ला सकते हैं। हमें इन सब चीजों से बचने की कोशिश करना है। और जब सावन भादों के बाद आश्विन कार्तिक के दो महीने आते हैं, उस समय वनस्पतियों में रस भर जाता है। इसलिए जैन श्रावक सावन भादो के महीने में प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के लिए हरी सब्जियों का त्याग कर देता है। आप दिल्ली में रहने वाले देवता लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी पूरी अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए उन सब चीजों से बचने की कोशिश करें। आप में भीतर से परेशान रहता हूं, WHO की रिपोर्ट है कि 2020 में भारत की भूमि में एक घर में कैंसर का पेशेंट हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल बेखबर है। सुबह से लेकर शाम तक नोट छापने की कोशिश में है, लेकिन आपको अपने जीवन का कोई सोच पैदा नहीं हो रहा। आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं? टाइट वस्त्र पहनने से साइंस ने कहा कैंसर हो सकता। इन वनस्पतियों में इतने केमिकल जा चुके हैं कि जो आपके शरीर में कैंसर के बैक्टीरिया पैदा कर रहे हैं। 2020 तक भारत की धरती पर एक घर में कैंसर का पेशेंट हो जाएगा। हमें इस बीमारी से बचना है।
लेकिन महावीर कितने उदार विषाद थे, उन्होंने पहले ही कह दिया प्राणी संयम और इंद्रिय संयम की रक्षा करने वाले आदमी को इन दोनों में हरी सब्जी का त्याग कर देना, एल्युमिनियम के कुकर में बना हुआ भोजन नहीं करना, वह भी कैंसर के लिए कारण है, प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ भोजन भी आप स्वीकार मत कीजिए, ये भी कैंसर के लिए कारण है। अनेक कारण कैंसर के निमित्त बनते हैं, लेकिन जब श्रवण संस्कृति में आप मुनियों के साथ रहते हैं तो थोड़ा मुनियों सा जीवन भी जीना आना चाहिए। हजार करोड़ रुपए होने के बाद सुख नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नींबू के पानी पर जिंदा रहने का साहस जुटा सकता है तो अगर प्रधानमंत्री से बड़ा कुछ आदमी नहीं होता। नवीन चंद तो उससे ही बड़े होते हैं, पानी का भी त्याग करके सलोगन लेने को तैयार रहते हैं। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो छठे काल आने के पहले मुनि पानी का भी त्याग करके आत्म साधना में लग जाएंगे और अपने जीवन को संभालने की कोशिश करते। ये वर्षा योग आपके लिए एक रहस्य होती है। इन चार महीनों में यदि श्रवण के साथ बैठ लिया उठ लिया बात कर ली और बात ना हो सके तो आचार्य वसुमंदी पहाड़ में कहते घबराना मत, चरणों में बैठ जाना, वो जैसा करें जैसा बोले वैसे ही आप चलते रहना बोलते रहना, बिल्कुल शांत। सत्संग का अर्थ होता है अच्छे पुरुषों के साथ बैठना, प्रश्नोत्तर नहीं करना, प्रश्न तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति से किए जा सकते हैं। गुरु दिल की बात कहते हैं, दिल से सुनना चाहिए, जो आदमी बुद्धि लगाता है उसकी हानि होती है। हमें बुद्धि नहीं दिल से बात करना है। जो डॉक्टर साहब गुरुजनों की वह व्यक्ति से रहित होते हैं उनके छोटे मोटे व्रत क्या बड़े बड़े व्रत भी वैसे ही निस्सार ठहरते हैं जैसे कि सूखे सरोवर से हंसों का समूह गुजर रहा हो तो सरोवर में आश्रय नहीं लेता। चार महीने सत श्रावक है तो गुरु के चरणों में बैठ के उनकी भैया व्रत उपासना भी सीखना चाहिए। हे भक्त श्रावकों, मैं चाहता हूं जित जज्बा और जुनून आपके भीतर पैदा हो जाए। मैं चार महीने कुछ भी काम नहीं करूंगा, आठ महीने व्यापार कर लिया है तो चार महीने शांति से भोजन करूंगा सत्संग करूंगा, आप दिन भर में वह काम कर लीजिए ताकि रात में शांति से आप सो सके। आठ महीने ठीक तरह से व्यापार कर लीजिए ताकि चार महीने सत्संग करें, ये महावीर की वाणी है। बुढ़िया जीवन में आई उससे पहले उन्हें आपको चाहिए मिट्टी में मिला दें, अन्यथा वे तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। वह समय दूर नहीं, अपने कर्म का उदय शीघ्र आता है और आदमी गिर जाता है। बीतना तीर्थों का कुछ करते नहीं, लेकिन हमारे किए हुए कर्म हमको ही गिरा देते हैं। इसलिए बंधु को गलती स्वीकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए। यदि भूल होती है तो हमें भूल सुधारना चाहिए। कितनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल, तो क्या गुरुवर के चरणों में हम अपने
अपने की हुई गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हैं क्या? इतना साहस भीतर जुटा सकते हैं क्या? तिहाड़ जेल में जाने की स्थिति भी आ गई हो और गुरुवर से आशीर्वाद दे लिया जाए, तीर्थंकर के पादों में पहुंच जाए तो भीषण आचार्य कहते हैं निधक्ति निकाचित कम खाए दंश ना। किसी ने 302 का केस किया है और राष्ट्रपति माफ कर दे, सजा माफ हो जाएगी। कितना भी आपसे गुनाह हुआ हो किंतु तीर्थंकर का दर्शन कर लिया जाए तो प्राचीन कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए गलती स्वीकार करने और पाप छोड़ने में कभी देर नहीं करना, क्योंकि सफर जितना लंबा होता है